गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रेनु तंबोली, योर टीचर फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल. सो चिल्ड्रन, एज वी नो दैट आवर सेकंड चैप्टर इज गोइंग ऑन इन मैथ सब्जेक्ट. ठीक है, सो नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एडिशन. ओके, सो व्हाट इज एडिशन? सो एडिशन, व्हेन वी एड सम नंबर्स देन वी गेट देयर टोटल इज कॉल्ड एडिशन. जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद में उनका टोटल आता है, तो उसे क्या कहते हैं? एडिशंस. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं. एज वी कैन से एक्सरसाइज नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डू इन दिस सेशन. ओके, ठीक है. सो एक्सरसाइज नंबर 1 which is about additions. As you can see on the screen, there are some numbers 300 and 34. आप देख रहे हो स्क्रीन पे? Yes. जैसे कि नंबर्स दे रखा है यहाँ पे, कौन कौन सा है? एडिशन देखो, एडिशन आपको देखो 100, tens और ones के प्लेस पे दे रखा है. तो कैसे दे रखा है ये, जो देखो मैंने आपको क्या बताया था, व्हेन एवर वी स्टार्ट टू डू दिस चैप्टर, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि जैसे स्क्वायर शेप है, दिस रिप्रेजेंट फॉर 100 प्लेस, ये 100 प्लेस को रिप्रेजेंट कर रही है. और टेंस वाला जो ये स्टिक्स है, अगर स्टिक्स चाहिए मतलब ये टेंस प्लेस पे होगी. ठीक है, और जो वंस है वो होगा वंस वाले प्लेस पे. जैसे पहले में देखो आप, पहली जो ड्रॉइंग है उसमें सिर्फ ये दो कितनी स्क्वायर दे रखी है, 1, 2, 3, 3 स्क्वायर प्लेस यहाँ पे गिवन है. ठीक है, तो ये आएगा 100 वाले पे 3 लिख दिया हमने. ठीक है, और यहाँ पे देखो टेंस और वंस में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो 0, 0 डाल दिया टेंस और वंस पे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट में देखो क्या है, 100 प्लेस पे कुछ दे रखा है नहीं, तो 100 वाले पे कुछ नहीं लिखना आपको. टेंस वाले पे कितनी स्टिक्स दे रखी है, देयर आर 3 स्टिक्स, 3 स्टिक्स दे रखी है, तो 3 लिख दिया. और वंस पे 4 दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 4 सेपरेट बॉक्स आर हियर, सो राइट हियर 4. ठीक है, अब देखो क्या करना है, इन सबको ऐड करना है. स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 और 4, तो 4 0 है और 4 है, तो 0 के साथ कोई भी नंबर आता है तो वो नंबर वापस से रिपीट हो जाता है, 4 का 4 आंसर. 0 और 3 को ऐड करने पे 3 का 3. गेटिंग माय पॉइंट? 3 और नीचे कुछ दे रखा है नहीं, तो 3 का 3, तो आंसर विल बी 334. राइट हियर 334. All right. Moving to the next question. At 127 and 231. 231 और 127 को add करना है. Lines make करके भी कर सकते हैं हम. देखो यहाँ पे ones वाले place पे 7 and 1 है. So make here how many lines? 7 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नीचे 1 है तो 1 line. Now start to count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 plus 1 is equal to 8. अब ऊपर 2 है तो कितनी लाइंस मेक करेंगे? 2. नीचे 3 है तो 3. अब काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5. टोटल नंबर क्या आया? 5. सो 5 लिख दिया नीचे आंसर में. ऊपर 1 है तो 1 लाइन, नीचे 2 नंबर दिया है तो 2 लाइन. नाउ स्टार्ट टू काउंट इट, 1, 2, 3. आंसर विल बी 358. यहाँ पे भी लिखना है आपको नीचे, देखो 358 विल बी आंसर. गेटिंग माय पॉइंट? यस या नो? यस ना? नहीं समझ में आया फिर भी आगे देखो. थर्ड क्वेश्चन, एड द फॉलोइंग. एड द फॉलोइंग में बेटा मैं यहाँ पे सारे एडिशन नहीं करने वाली हूँ, यहाँ पे 3 या 4 एडिशन में करने वाली हूँ, बाकी के जो होंगे वो आपको करने हैं, आपको घर पे करने हैं एज अ होमवर्क. पहला ले लेते हैं. पहला देखो ऊपर 5 दिया है, सो राइट हियर हाउ मेनी लाइंस वी शुड मेक? 5. और नीचे 3 है तो 3 लाइंस. ठीक है, अब काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. लिखो यहाँ पे 8. ऊपर 7 है, नीचे कोई नंबर दिया है नहीं, तो 7 का 7. ऊपर 2 है और नीचे कोई नंबर दिया है नहीं, तो 2 का 2.
समझ में आया, एडिशन करते हैं, अगर नीचे जीरो दिया है और ऊपर कोई नंबर दिया तो वही का वही नंबर रिपीट होता है, और अगर सिर्फ एक ही जगह पे नंबर दिया है और दूसरे प्लेस पे कोई नंबर नहीं दिया है तो भी वही का वही डिजिट रिपीट हो जाएगा, ना तो लाइन मेक करने की जरूरत है और ना ही काउंटिंग करने की। समझ में आ रहा है आपको? अब आ जाओ सी वाले एडिशन पे, जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो के साथ जीरो है तो वो जीरो ही बनाएगा आंसर, फिर से जीरो जीरो है तो आंसर क्या आएगा, जीरो, इजी है ना। अब ऊपर सिक्स नंबर है तो सिक्स लाइंस मेक करनी है, नीचे टू दे रखा है तो कितनी लाइंस मेक करोगे, टू। अब काउंट करो इन्हें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, समझे आप, getting my point, 800 will be answer. Next, moving to the, कौन सा ले? D वाला ले लेते हैं। देखो, 7 दे रखा है, तो कितनी lines make करनी है? 7 lines make करनी है, ठीक है? आप नीचे 2 है, तो 2 lines make करनी है, और ये जो lines make कर रही हूँ ना मैं, आप lines make कर करके additions अपने book में आपको करना है, और जब answer solve हो जाए, तो इन lines को pencil से, क्या, eraser से remove कर दोगे आप, ठीक है? 7 plus 2 is equal to 9. 1, count कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब ऊपर 1 है, नीचे 3 है, 1 plus 3, 1 line, नीचे 3 है, 3 line, start to count it, 1, 2, 3, 4. Answer, 4 आया. ऊपर 4 है, तो 4 lines make करनी है. आप अपने फिंगर्स का यूज करके भी कर सकते हो एडिशन, टू थ्री फोर फाइव, अब काउंट कर लो इनको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन विल बी आंसर। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो एक और ले लेते हैं, जी वाला, जी ले ले, ठीक है, ऊपर 9 लिखा है, नीचे 0 है, लाइन मेक करने की जरूरत है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे 0 दिया हुआ है, 0 के साथ में अगर कोई नंबर आता है एडिशन में तो वही का वही नंबर एज आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट इज हियर, 3 लाइंस मेक करनी है, नीचे 5 है तो 5 लाइंस बनानी है, नाउ स्टार्ट टू काउंट इट, 1 2 3 4 5 6, 7, 8. 3 plus 5 is equal to 8. अब ऊपर 2 है, तो 2 लाइन बनानी है. नीचे 7 दे रखा है, तो कितनी लाइन बनाओगे? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. क्या आया आंसर? 9. जितने नंबर दे रखे हैं ना, उतनी लाइंस बनानी है और उनको फिर टोटल करना है, और जीरो अगर आ रहा है तो ऊपर नीचे दोनों जगह अगर जीरो है तो जीरो का जीरो होगा, अगर जीरो के साथ में कोई नंबर आ रहा है तो वही नंबर एज आंसर आपको लिखना है। आई बात समझ में? नहीं भी आई है तो बेटा ये चैप्टर अपना बहुत है, सफिशियंट चैप्टर है, तो एडिशन आपको मैं एकदम क्लियरली समझा दूंगी, ठीक है? सो आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर टुडेज क्लास, डू प्रैक्टिस एट योर होम, एंड यस रिमेम्बर वन थिंग, अब जो थर्सडे आ रहा है, कौन से एग्जाम है आपका, साइंस का एग्जाम है, और आपको सेकंड चैप्टर प्रिपेयर करना है फॉर योर टेस्ट, समझ रहे हो? सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर थर्सडे एग्जाम, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे।